Hey guys, I am Bhagyashree. Welcome to Cook with Shagun. तो फ्रेंड्स, त्योहारों की सीज़न स्टार्ट हो चुकी है, तो सबके घर में गुलाब जामुन तो बनते ही होंगे। और हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन बिना मावा और बिना मैदे के। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बिल्कुल आटे से, जो गेहूं का आटा है उससे हम बढ़िया से सॉफ्ट से गुलाब जामुन तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये रेसिपी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, ये लाल बटन है उसको क्लिक करिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें मैंने आधा कप आटा यानी गेहूँ का आटा यूज़ किया है और उसमें मैंने 3/4 कप मिल्क पाउडर यूज़ किया है। यहाँ पे ये डेरी वाइटनर है और इसमें मैं डालूँगी 2 पिंच नमक डालूँगी और यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है मैंने बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करना है, बेकिंग पाउडर डालना है। और यहाँ पे 2 पिंच मैंने लिए है इलायची पाउडर और 1 बड़ी चम्मच यहाँ पे देसी घी का यूज़ किया है। और इन सब को हम अच्छे कर देंगे और उसके बाद हम इसका एक डो तैयार करेंगे। सब सामग्री को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है और ये मिल्क रूम टेम्परेचर वाला है, आप गरम मत यूज़ करिए। और थोड़ा थोड़ा डालिए और एक अच्छी तरह से इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे दूध की मात्रा 80 ml है और ये गेहूं का आटा है तो थोड़ा सा दूध इसमें ज़्यादा जाएगा, तो आप अच्छी तरह से उसको मसल मसल के डो को तैयार करना। तो यहाँ पे हमारा डो एकदम सॉफ्ट तैयार हो चुका है और इसमें से हम छोटे छोटे साइज़ के बॉल्स तैयार कर लेंगे। अगर आपका डो हार्ड होगा तो आपके जो बॉल्स हैं उसमें क्रैक आ सकती है और क्रैक आने की वजह से आपके गुलाब जामुन फ्राई करने के टाइम फट सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से सॉफ्ट डो तैयार करना। चलिए हम पूरे बॉल तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने तैयार कर लिए हैं और दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। आप गुलाब जामुन को ऑयल या घी में भी फ्राई कर सकते हो। तो हमारा तेल गरम हो चुका है, यहाँ पे गैस की फ्लेम लो है, हमें तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। बस हम गुलाब जामुन जब डालें तो उसमें से ऐसे छोटे छोटे बबल्स आए, बस यही टेम्परेचर सही है हमारे ऑयल या घी का। तो बस हम सारे गुलाब जामुन इस तरह फ्राई कर लेंगे। बट यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 गुलाब जामुन ट्राई किए कि हमारे गुलाब जामुन में कहीं क्रैक तो नहीं आई, फट तो नहीं रहे। तो सबसे पहले मैंने 2 गुलाब जामुन फ्राई करके देख रही हूँ, तो नहीं कुछ क्रैक आया है। तो अच्छी तरह से सबसे पहले इसको फ्राई कर लूँगी और आपको जितना गोल्डन ब्राउन फ्राई करना आप उतना कर सकते हो। देखिए कितना अच्छा कलर भी दिख रहा है। तो इस तरह से हम सारे के सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लेंगे।
पे थोड़े थोड़े करके मैं गुलाब जामुन सब फ्राई कर रही हूँ, और आप देख सकते हो कि कलर कितना बढ़िया आया है। कोई नहीं बोल सकता कि ये आटे से बने हुए गुलाब जामुन है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना। तो बस इसी तरह से मैं सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लूँगी, और दूसरी तरफ हम हमारी शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं, यानी कि हमारी चाशनी तैयार कर लेते हैं गुलाब जामुन के लिए। तो एक सॉस पैन लिया है और उसमें मैंने 2 कप पानी डाला है और 1.5 कप मैं यहाँ पे चीनी डालूँगी। अभी हमने गैस पे नहीं चढ़ाया, सब पहले मिक्स करने के बाद ही हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से केसर के धागे भी ले लिए हैं, 8 से 10 केसर के धागे भी मैंने डाले हैं, और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, जो टेस्ट फ्लेवर एक अच्छा लाएगा गुलाब जामुन में। आप यहाँ पे गुलाब जल भी डाल सकते हो, जो खाने वाला आता है वो डाल सकते हो। अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे, और सबसे पहले गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे, और यहाँ पे हम जो सिरप बना रहे हैं तो उसको रेगुलर कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, और एक उबाल आ जाए तब उसके बाद शुगर हमारी घुल जाए तब हम इसको गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे। और हमें ये चाशनी 1 या 2 तार वैसी नहीं बनानी है, हमें बस ये चिपचिपी ही चाशनी तैयार करनी है। तो कम से कम यहाँ पे चाशनी को बनाने के लिए 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो आप यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली इसको स्टर कर दे। तो 5 से 7 मिनट के बाद हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑफ़ कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने हमारी जो चाशनी तैयार की थी जो गरम गरम है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और जो फ्राइड हमारे गुलाब जामुन थे वो भी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। और ये गुलाब जामुन एकदम ठंडे नहीं हुए, ये 50% गर्म है और 50% ठंडे है। तो यहाँ पे अगर आपकी चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई हो तो आप प्लीज़ उसको गर्म कर दीजिए, उसके बाद ही जो फ्राइड गुलाब जामुन है उसको अंदर डालिए। इससे क्या होगा कि जो चाशनी है वो गुलाब जामुन पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो चलिए छोड़ देते हैं हमारे गुलाब जामुन को 2 घंटे। तो 2 घंटे के बाद जो गुलाब जामुन है वो अच्छी तरह से फूल चुकी है, साइज़ में भी वे थोड़े बड़े हो चुके हैं, यानी कि चाशनी अच्छी तरह से इसमें मिल चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।